आपने कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के फैशन ब्लंडर के किस्से देखे और सुने होंगे। कभी अच्छी ड्रेस को लेकर सुर्खियों में रहने वाली इन्हीं एक्ट्रेसेस को कई बार फैशन ब्लंडर होने के चलते शर्मिंदगी का शिकार भी होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ लक्मे फैशन वीक के दौरान। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात उप्स मोमेंट की। बॉलीवुड एक्ट्रेस और टी सीरीज के एमडी भूषण कुमार की पत्नी दिव्या कुमार खोसला भी लक्मे फैशन वीक में नजर आईं। इस दौरान वो उप्स मोमेंट का शिकार हो गईं। दिव्या खोसला कुमार लक्मे फैशन वीक के पांचवें दिन रैंप पर कृष्णा कौटूर के लिए शो स्टॉपर बनकर उतरी, लेकिन स्टेज पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो होना किसी भी एक्ट्रेस के लिए अच्छा नहीं होता। दरअसल दिव्या कुमार खोसला जैसे ही रैंप पर कुछ कदम चली तभी अचानक उनके लहंगे का हुक खुल गया, जिसे दिव्या फौरन ही समझ गईं। दिव्या ने बड़ी ही समझदारी से इस मूवमेंट को संभाला और अपने हाथ से लहंगे को पकड़कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रैंप वॉक पूरा किया। दिव्या ने इस दौरान ग्रे कलर का खूबसूरत लहंगा डीप फ्रंट नेकलाइन वाले ब्लाउज के साथ पहना हुआ था। इसके साथ ही दिव्या ने गले में खूबसूरत नेक पीस भी कैरी किया था। दिव्या इस रैंप पर बला के खूबसूरत नजर आ रही थी। दिव्या ने जैसे ही अपने उप्स मूवमेंट को समझदारी से संभाला तो हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। वैसे आपको बता दें कि दिव्या पहली बार साल 2000 में सिंगर फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो अयोरामा हाथ से दिल खो गया में नजर भी आई थी। इसके बाद दिव्या साल 2003 में कुणाल गांजावाला के एल्बम जिद ना करो ये दिल दा मामला है में भी नजर आई, जिसमें सलमान खान उनके साथ थे। हाल ही में दिव्या खोसला कुमार फाल्गुनी पाठक के याद पिया की आने लगी के नए गाने के वर्जन में भी दिखाई दी थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी एनएन बॉलीवुड।